तो बड़े सारे सवाल उठ रहे थे यहाँ पर अर्पिता कि आखिर हरियाणा पुलिस बिट्टू बजरंगी को दबोचने में देरी क्यों कर रही है या फिर पकड़ क्यों नहीं पा रही है। हरियाणा पुलिस को गिरफ्तारी में 15 दिन जरूर लग गए, लेकिन इस बार बिट्टू की घेराबंदी का पूरा कानूनी इंतजाम कर लिया गया था। और बिट्टू पर महिला पुलिस अधिकारी को चोट पहुंचाने, काम में बाधा डालने के अलावा भी आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई हैं। महिला पुलिस अफसर से ही मुकदमा दर्ज कराया गया है। वो तारीख थी 31 जुलाई की, जब नूह में हिंसा की आग भड़की थी। ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हमले हुए और नूह का माहौल तहस नहस हो गया। 15 दिन बाद हिंसा के उसी मामले में नूह पुलिस फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी पहुंची, जहां बिट्टू बजरंगी का घर है। सीसीटीवी फुटेज में नूह के तावड़े थाने की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिट्टू के घर पर धावा बोलने पहुंचती है। टीम अच्छी खासी बड़ी थी, कुछ सदस्य हथियार से लैस दिख रहे हैं, सबके सब सादी वर्दी में। अब दूसरा वीडियो देखिए, इसमें आपको एक शख्स भागता दिखेगा, ये बिट्टू बजरंगी है। पुलिस टीम को देखकर बजरंगी 9-2-11 होने की कोशिश करता है, तो पुलिस की टीम को दौड़ लगानी पड़ती है। और अब ये तीसरा वीडियो देखिए, दौड़ा दौड़ा सा भागा भागा सा बिट्टू इसमें आपको पुलिस की गिरफ्तारी में दिखेगा। उसका कॉलर पकड़कर उसे दबोच रखा है और उसे धकियाते हुए उसकी ही गली से ले जा रही है। इन तीन वीडियोस में आप बिट्टू की गिरफ्तारी की पूरी कहानी आसानी से समझ गए होंगे। बिट्टू और उसके शुभचिंतकों को ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी, वो इस सुलूक से बेहद आहत। उस रास्ते पर हमने बोला कि अब गाड़ियों को घुमा के निकलो, तो जैसे ही हमने बोला कि निकलो तो जो पीछे वाली गाड़ियाँ थी वो आगे हो गई, नॉर्मल बात है, जो पीछे थी वो पीछे हो गई। तो आगे जो काफला जो चला, तो हम कोई 500 मीटर या आधा किलोमीटर चले होंगे, तो वहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी आगे की जो बस है और गाड़ियाँ हैं उनको आतताइयों ने आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। तो जितना दिलचस्प और रोचक बिट्टू का किरदार है, वो गिरफ्तार भी उसी अंदाज में होता है, एकदम फिल्मी स्टाइल। अब सवाल यह है कि बिट्टू के गिरेबान पर हाथ रखने में पुलिस को एक पखवाड़ा क्यों लग गया, तो इसका जवाब इस FIR में दर्ज है। यह FIR नूह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी ASP उषा कुंडू ने दर्ज कराई है, जिसमें साफ साफ ये आरोप है कि बिट्टू बजरंगी और उसके लोग उपद्रव करने में लगे थे। इनके हाथों में तलवारें और त्रिशूल थे। पुलिस ने उन लोगों से हथियार छीन लिए तो बिट्टू और उसके लोग गाड़ी के आगे बैठ गए और बाद में जबरन हथियार छीन कर फरार हो गए। बिट्टू बजरंगी डंके की चोट पर हाथों में हथियार होने का आरोप कबूल कर रहा है। आज तक से बातचीत में उसने हथियारों की मौजूदगी की बात मानी। जो एक आध गन्स होंगी भी तो वो लाइसेंस की हैं, अवैध नहीं है। और तलवार हमारी क्या होती है, पूजा करने वाली होती है, ये तलवार हमारी शादी ब्याह वाली होती है, काटने मारने वाली नहीं होती। और एक दो तलवार थी किसी कार्यकर्ता पे, किसी बहन बेटी पे, अगर सैकड़ों की संख्या में होती तो लगता कि हम भैया हम लड़ाई झगड़ा करने गए हैं। कोई अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्या लड़ाई झगड़ा करने जाएगा, ये सोचने की बात। अब बिट्टू के ये बयान उसके लिए कानूनी फांस बनेंगे, क्योंकि पुलिस ने धाराएं लगाने में कोई कोताही नहीं की है। IPC की धारा 148, 149 यानी दंगा करने का अपराध, धारा 332 यानी सरकारी अधिकारी के काम में बाधा और चोट पहुंचाना, धारा 353 सरकारी अधिकारी को चोट पहुंचाना, धारा 186 सरकारी अधिकारी के काम में बाधा पहुंचाना, धारा 395 डकैती करना, धारा 397 लूट डकैती के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना, धारा 506 जान से मारने की धमकी देना, और धारा 25, 54 और 59 जो धोखे से जुड़ी है। ये तमाम धाराएं बिट्टू के खिलाफ FIR में दर्ज हो चुकी हैं, जिसका उसे सामना करना होगा।
नू हिंसा के दो हफ्ते के बाद नू पुलिस ने थाना सदर में एक एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज की गई एक महिला अधिकारी की शिकायत पर और एफआईआर दर्ज की गई बिट्टू बजरंगी और 15-20 दूसरे लोगों के खिलाफ। बेहद संगीन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है और उसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए बिट्टू बजरंगी को उठाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। अब जो इसके दूसरे साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। इसके लिए पुलिस के पास कुछ वीडियो फुटेज तो है ही, साथ ही साथ बिट्टू बजरंगी का बयान भी पुलिस ने दर्ज किया है। एक बार पुलिस जब बिट्टू बजरंगी को रिमांड पे लेगी तो इस पूरे मामले से जुड़े कई और तथ्य भी सामने आने की उम्मीद है। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, नूह, आज तक।